हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सैनी, फिजिक्स फैकल्टी एट दिल्ली कैरियर ग्रुप। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ्स। ओके, अभी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है एनडीए का, तो प्रॉपरली प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt, यानी कि चेंज इन पोजिशन अपॉन में टाइम। ठीक है, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास, dv by dt। ठीक है, dv by dt यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तब हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, तो मैं वो लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है आपका, जैसे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, जितना टाइम पास हुआ है। ठीक है, कितने टाइम के बाद हमसे, मतलब कि यू से लेके वी अचीव करने में कितना टाइम पास हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमें बताती है वेलोसिटी के बारे में, सेकंड इक्वेशन बता दी हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। एस क्या है, ये पोजिशन। ठीक है, पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मेन इंपॉर्टेंट जो बात है इन इक्वेशंस की, कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि जैसे एक्सेलरेशन मैं दे देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एस क्या है, पोजीशन। देखो, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है, सोचो थोड़ा सा, क्या अलग हो सकता है इस चीज में। देखो, जो थर्ड इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट मतलब कि इसमें टाइम नहीं है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जब जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें टाइम नहीं दिया होगा वहां पे आपकी मोस्ट प्रोबेबली थर्ड इक्वेशन यूज होगी। ओके, तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, और किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। ऑलवेज रिमेंबर, कांस्टेंट कहीं भी नहीं लगा देनी है, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वहीं पे हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ओके, चलो अब देखते हैं इसको कैसे हमारे पास यूज करते हैं। चलिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गेन्स 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन फाइव सेकेंड्स। फाइंड डिस्टेंस कवर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ और फाइनल वेलोसिटी क्या हुई। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रेस्ट से शुरू करने का क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी रेस्ट से शुरू करने वाले, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ओके, और गेन्स 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ये इसने 5 सेकंड में किया। ठीक है, कितने टाइम में, टाइम दे दिया आपको 5 सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या निकल गया, आगे 10 मीटर पर सेकंड, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करेगी,
तो देखो डिस्टेंस हमारे पास जो पोजीशन वाला फॉर्मूला था वो क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या आपको यू पता है? यस पता है। ठीक है, आपको क्या पता है? टी पता है। पता है क्या आपको? ए पता है। ए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ए की इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं हम कैसे? फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वी कितना है? 10। यू कितना है? 0 प्लस ए। टी कितना है? 5 सेकेंड। ए कितना आ गया निकल के? 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ गया निकल के? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब देखो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, यू भी आ गया, ए भी आ गया, टी भी आ गया। ठीक है, तो मैं लगाता हूं यहां पे इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? 0। तो ये टर्म तो हो गई आपकी 0। ठीक है, बचा क्या? 1/2 ए टी स्क्वेयर। ए कितना आया मेरे पास निकल के? 2। टी कितना है? 5 यानी 5 का स्क्वेयर, 5 मल्टीप्लाई में 5। तो एस कितना निकल के आ गया? 2 से 2 कैंसिल आउट, एस इज इक्वल टू 25 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा हमने, क्या हुआ? हमने दो चीजें, हमने इसमें तीन चीजें निकाल दी हैं। पहले तो हमने क्या निकाला? फाइनल वेलोसिटी जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड चीज हमने क्या निकाली? एक्सेलरेशन। यानी अगर आपसे एक्सेलरेशन भी पूछा जाएगा तो आप इससे निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन निकाल दिया। और फिर हमने क्या निकाला? कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके। ओके, एनडीए के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें कम से कम लास्ट टाइम भी 3 क्वेश्चन इसमें से आए थे। ठीक है, 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड थे, तो पहले हम इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चंस आए। चलिए देखो, हमारे पास 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम हर तरह की मोशन के 3-3 ग्राफ बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पहला हमारे पास केस है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, केस नंबर 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट और उसके डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है विद कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी लेट कर लो 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है और किसी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो ये होता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेट देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू, एस की जगह मैं एक्स लिख रहा हूं अब क्योंकि मैं पोजीशन लिख रहा हूं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जब वेलोसिटी ही मैंने कॉन्स्टेंट कर दी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन 0। तो एक्स क्या आ गया मेरे पास? यू टी। ओके, एक्स इज इक्वल टू यू टी। जरा बताओ एक्स और टी में कैसी रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। ठीक है, एक्स और टी में कैसी रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और कैसे? जब टी 0 है मेरा तो एक्स 0 है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ओरिजिन से शुरू होगा ग्राफ और कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, और देखो इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। m क्या है मेरे पास? u। m क्या है? u। और m क्या होता है मेरे पास? स्लोप। यानी कि इसका स्लोप जो होता है मेरे पास, स्लोप को हम कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप। ओके, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप। तो स्लोप क्या है मेरे पास? u। यानी कि u क्या थी? वेलोसिटी। तो स्लोप मेरे पास क्या बताता है? वेलोसिटी। तो ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, इसी के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो एक्स टी ग्राफ का स्लोप होती है। तो मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं, एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वेलोसिटी। ओके,
अगर आप इसका स्लोप निकाल लोगे तो आपको वेलोसिटी में स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोई पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये एक्स कोमा टी गिवन है, एक्स तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, टी एक्सिस, तो ये हो गया मेरे पास टी, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एक्स, ठीक है, तो मेरे पास टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा, एक्स डिवाइडेड बाई टी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स डिवाइडेड बाई टी, जो कि हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशन है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, तो ये बात क्लियर है, ये तो हो गया पोजिशन टाइम ग्राफ, अब बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, पार्टिकल किस चीज से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का यही मतलब है ना, टाइम बीतता रहे पर वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है, लेट कर लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी यहां पे u, ठीक है, अब टाइम बीतता रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो कैसा ग्राफ आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि देखो यही एक, देखो टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो यूटी हमारे पास वीटी ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ओके, क्लियर है ये? ओके, हाँ, एक नोट की बात और, देखो ग्राफ में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक स्लोप और एक एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, जैसे अगर ये मेरे पास ग्राफ है तो इसके एरिया अंडर द कर्व हमारे पास ये होगा, ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब कि अगर आप ये एरिया निकाल लो, लेट करो ये हमारे पास टाइम यहां तक दिया हुआ है 6 सेकंड तक हमारे पास टाइम दिया हुआ है, और हमारे पास हमेशा से वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड थी, तो एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, ये 10, ये 6, रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया ये टाइम्स ये 10 मल्टीप्लाई में 6, यानी कि 60 मीटर। ओके, तो इस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व निकाल के वीटी ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कितना बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई। ओके, चलो, और नेक्स्ट थिंग एरिया, देखो एक तो एरिया हो गया, एक स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, जैसे ही मान लो कोई भी वीटी ग्राफ होगा आपका, कुछ ऐसे बना होगा, कुछ ऐसे, ठीक है, तो अगर आप उसका स्लोप निकाल दोगे, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा निकाल दोगे आप, तो वो क्या देना चाहिए, वो आपको एक्सेलरेशन देगा, क्यों देगा, जरा ध्यान से देखो, स्लोप निकालो, यहां कुछ वी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टी कोमा वी, ठीक है, तो ये आ गया आपका वी, ये आ गया आपका टी, ठीक है, वी डिवाइडेड बाई टी, टेंजेंट अल्फा, वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, और वी डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, किसके डायमेंशन है, एक्सेलरेशन के, ठीक है ना, तो हमारे पास स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत, जो याद रखने चाहिए आपको, कि किस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, किस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हमारा यही अभी केस फर्स्ट ही चल रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो यानी टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो मेरे पास कौन सा ग्राफ होना चाहिए, ये वाई एक्स, ये मेरे पास टी एक्सिस। ओके, यही ग्राफ बन जाएगा टी एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगी जैसे जैसे टाइम बीतता रहे, ठीक है, तो यही आपका ग्राफ हो जाएगा। तो समझ में आया, ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं। अब हम करते हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद
कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. केस नंबर टू, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, चलिए तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के पास मेरे पास कितनी इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. मैं लिख लेता हूं साइड में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है, 2as is equal to v square minus u square. तो पहला ग्राफ कौन सा बनाएंगे हम, xt ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ. तो s की जगह मैं यहां पे पोजिशन लिख रहा हूं x. ठीक है, ये आपका सिंबल है, आप अपनी जैसी भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये जो s होता है ये पोजिशन होती है. ठीक है, तो xt ग्राफ मेरे पास कैसा होगा, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को. ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन है टी स्क्वेयर है, एक तरफ एक्स है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि एक टी स्क्वेयर है, एक टी है. ठीक है, और एक्स और इसमें कैसे रिलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, मैं इसको कैसे कंपेयर कर सकता हूं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर सकता हूं मैं. ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है नेचर में, पैराबोलिक. तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, पैराबोलिक. ओके, तो लेट कर लेते हैं हम कि इसकी कुछ इनिशियल पोजीशन है. ठीक है, इनिशियल पोजीशन है कि व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. ठीक है, इनिशियल पोजीशन है. तो इसमें मैं थोड़ा सा सुधार कर लेता हूं अपनी इक्वेशन में, इसको लिख लूंगा मैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है, देखो जब आप t को जीरो पुट करोगे, ये सारी टर्म्स इधर की जीरो होगी, तो ये x माइनस एक्स नॉट जीरो के इक्वल आ गया. तो यहां से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट. ठीक है, तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, t इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू, मैंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया इस इक्वेशन में, मैंने बस इनिशियल पोजीशन ऐड कर दी है. ठीक है ना, जरूरी नहीं है हमारा पार्टिकल हमेशा ओरिजिन से शुरू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, पर हम जनरल केस लेके चलेंगे, अगर ओरिजिन से शुरू हो रहा तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि इक्वेशन मेरी ये दे ही रही थी. यहां पे अगर आप टी जीरो रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा. तो ये जो ग्राफ शुरू होता है ये ओरिजिन से शुरू होता है, और ये जो ग्राफ होता है ये थोड़ा शिफ्टेड शुरू होगा. ठीक है, तो हम जनरल ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो कहीं जब टाइम जीरो है तो कुछ पोजिशन है एक्स नॉट, ऐसी पोजिशन है. ठीक है, और एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, यानी कि पोजिशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, बढ़ती जा रही है, लेकिन अब लीनियरली नहीं बढ़ेगी, अब क्वाड्रेटिकली बढ़ रही है. ठीक है, तो कैसे बढ़ रही है, पैराबोलिकली, देखो इस तरह से. ठीक है, तो ये आपका कैसा ग्राफ बन गया, एक्सटी ग्राफ फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मोशन. ओके, लेकिन देखो केस ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बॉडी चल रही हो, और मान लो आप गाड़ी में जा रहे हैं. ठीक है, आपने रेड लाइट देखी. ठीक है, तो आपने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो क्या करोगे, वो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी कुछ और बनना चाहिए उसके लिए. ठीक है ना, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, आप एक टाइम में रेस्ट पे आओगे, यानी तब एक्सेलरेशन ना हो के डी एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी. ठीक है, और मैं कहने का मतलब क्या है मेरा, जो ए है इस टाइम में ऑपोजिट है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो ए मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो उस टाइम में मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा. तो ये तो हो गया. चलो केस टू, इफ देयर इज डी एक्सेलरेशन, इफ देयर इज डी एक्सेलरेशन. ठीक है, डी एक्सेलरेशन यानी कि क्या बन जाए, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू, जो ए है अब नेगेटिव रहेगा. ठीक है, ए है जो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, आप जा तो उस डायरेक्शन में रहे हो लेकिन आपने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, तो माइनस ए टी स्क्वेयर. तो ये कैसा बनेगा, एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस वन बाय टू ए टी स्क्वेयर. तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो जब हमारे पास टी स्क्वेयर का कॉफी है, यानी कि जो पैराबोला था हमारा अपवर्ड बन रहा था ना, वो पैराबोला डाउनवर्ड बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, देखो
ये आपका एक्स टी ग्राफ है, इनिशियल पोजीशन थी कुछ एक्स नॉट, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट मैं लिख लेता हूं यहां पे, इनिशियल पोजीशन थी कुछ एक्स नॉट, और अब आपका जो ग्राफ है वो डी एक्सलरेशन में आ जाएगा, ठीक है, कैसे कि पोजीशन हमारे पास घटती जा रही है, ठीक है, इस तरह से। और एक टाइम ऐसा भी होगा अगर वो एक्सेलरेशन इधर दूसरी डायरेक्शन में रहा तो बॉडी पीछे की तरफ चलने लग जाएगी, ठीक है ना, एक पोजीशन के बाद। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो क्लियर है ये पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, अब बनाते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, टाइम और v में लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, देखो जब t जीरो है आपका, t जीरो है तो v किसके बराबर है, u के, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के। जब t जीरो है आपका तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई u, आ गई वहां पे, देखो t जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इस तरह से, ठीक है। और इसका स्लोप क्या देगा आपको, ये टेंजेंट अल्फा क्या देगा, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसको कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ लाइन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसको, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, एम क्या होता है, स्लोप, स्लोप कितना आ जाएगा ए, जो कि हमारा आर है, और सी क्या आएगा, यू, इनिशियल वेलोसिटी, वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, यू। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सीधा यही पूछा हुआ था, ठीक है, 2021 के पेपर में सीधा यही पूछा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो उसका ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, ये यहां से शुरू होगा। तो देखो ओरिजिन से कब शुरू होता, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमने नहीं ली है, हमने u इज इक्वल टू समथिंग कुछ है हमारे पास, ठीक है, हम मान सकते हैं u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो सकता है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन दे देंगे कितने टाइम में v आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमारे ग्राफ कहां से शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा या यहां से शुरू होगा, तो यहां से शुरू होगा, ठीक है। और उसमें पूछा था उसका स्लोप क्या देगा, ठीक है, एक रॉन्ग ऑप्शन था कि इनिशियल वेलोसिटी देगा स्लोप, नहीं, स्लोप हमारे पास क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान रखना स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर है, चलो तो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास क्या था, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कैसा है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है, यानी कि नॉन जीरो है और कांस्टेंट, लेट कर लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कुछ भी है, लेकिन कांस्टेंट है हमेशा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम बीतता चला जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। लेट कर लेते कोई एक जनरल वैल्यू ए नॉट है एक्सेलरेशन की, और टाइम बीतता जा रहा है लेकिन आपका एक्सेलरेशन वही रहेगा, तो ये सिंपल सा ग्राफ हमारे पास बनेगा इसका एटी ग्राफ। तो समझ में आए तीन हर तरह के ग्राफ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब कैसे ग्राफ बनेंगे, और हमारे पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब कैसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, एक वीटी ग्राफ दिया हुआ था, वीटी ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है, वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, और ये आपको दिए हुए थे टाइम्स, ठीक है, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, ठीक है, इस तरह से चार चार के गैप में आपको टाइम दिया हुआ है, और इधर भी, ठीक है, ये 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, वीटी ग्राफ। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड डी एक्सेलरेशन, कितना डी एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन कितना होगा, ठीक है।
और ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो इस ग्राफ, इस क्वेश्चन पे उन्होंने थोड़ा क्या किया, ऑप्शन देना नहीं आया, पहले तो उन्होंने रिटार्डेशन पूछा और ऑप्शन में एक में ही नेगेटिव है, ठीक है, तो पता चल रहा है यही सही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, तो वीटी ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे पता करते थे, याद करो वीटी ग्राफ से कैसे एक्सेलरेशन पता करते, वीटी ग्राफ से हम उसका स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन पता करते थे, ठीक है, स्लोप निकाल के। तो हमसे पूछा था इसका एक्सेलरेशन 8 to 12 सेकेंड्स के बीच में कितना है, 8 to 12 सेकेंड के बीच में कितना डी एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है, ये पूछा हुआ था। ओके, तो देखो हमें निकालना है ये एंगल, ठीक है ना, इसका एंगल यानी कि इसका टेंजेंट अल्फा हमने ये निकालना। स्लोप क्या होता है, जब पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ कितना एंगल बनाता है, ये होता है हमारे पास स्लोप। तो चलो ये निकालना है, अगर मैं ये निकाल लूं, इधर थीटा निकाल लेता हूं, ठीक है, थीटा निकाल लेता हूं, ये एंगल कितना होगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180, ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो मैं थीटा निकाल सकता हूं कितना है? देखो क्या यही डिस्टेंस ये है, ठीक है, यही ये है, तो 12 - 8 क्या ये 4 है, ठीक है, 12 - 8 ये 4 है ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये वेलोसिटी एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 8 - 4, ठीक है, 8 - 4 ये कितना हो जाएगा, ये भी 4, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4 / 4 कितना आ गया 1, ठीक है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होती है हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है, ओके, अब हमको थीटा पता चल गया तो हम ये निकाल सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है, चलो ठीक है, और आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, याद करो मैथ में पढ़ा होगा आपने, टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, और 180 पे और 0 डिग्री पे या हमारे पास वैल्यूज चेंज नहीं होती, ठीक है, टेंजेंट कोट में कब चेंज होता है, 90 पे, ठीक है, या हमारे पास 270 पे, ओके, चलिए, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस टेंट, तो मेरे को चाहिए तो यही था ना, स्लोप तो मेरा यही है, यही तो स्लोप है 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ये बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बन रहा है, तो इसी का तो मेरे को टेंजेंट थीटा निकालना था, ठीक है, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट, और माइनस टेंजेंट थीटा तो मैंने निकाल लिया, तो स्लोप कितना आ गया मेरे पास, माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1, तो -1, और यही मेरे पास एक्सेलरेशन है, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको हर ग्राफ के बारे में जानकारी होगी, तो आराम से कर पाओगे, ओके, आपको समझ में आया इक्वेशन ऑफ मोशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं, ये वीटी ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास एक्सटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, तो इस तरह के ग्राफ्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। एनडीए के हिसाब से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, काइनामेटिक्स, ठीक है, आपका मैग्नेटिज्म, आपका, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहीं से हर साल पूछे जाते हैं, तो हम अभी और वीडियोस लेके आएंगे काइनामेटिक्स पे भी, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे भी और वीडियोस लेके आएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल DCG अकेडमी, ओके, आपके लिए और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती रहेगी हमेशा, ठीक है, ओके।